हाय दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीआईडी अचानक क्यों बंद हुआ और सीआईडी टीम में कौन कौन काम कर रहा था? आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि सीआईडी टीम की खास जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। हमारे चैनल फन दुनिया ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आइए जानते हैं सीआईडी टीम के अदाकारों के नाम और इनकी फुल जानकारी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड 1992 में तैयार हुआ था, लेकिन क्राइम सीन देख के किसी भी चैनल पर नहीं चल सका। तब भी सीआईडी टीम ने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। फिर 1998 में एसीपी प्रद्युमन और अभिजीत और दया नाम के शख्स ने सीआईडी टीम को चार चांद लगा दिए। फिर सोनी टीवी पर चलने लगा। फिर दोस्तों, आहिस्ता ही आहिस्ता ये कामयाबी की तरफ जाने लगे। 2004 में इन्होंने वो अवार्ड हासिल किए जिसको हासिल करने के लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं। फिर आहिस्ता ही आहिस्ता ये आसमान की बुलंदियां छूने लगा। दोस्तों, आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा 100 एपिसोड होते हैं, लेकिन सीआईडी टीम ने 1500 से प्लस एपिसोड बनाए थे। लेकिन जब लास्ट एपिसोड बना तो सीआईडी टीम को बता दिया गया कि ये हमारा लास्ट एपिसोड है, तो तब ही आल टीम परेशान हो गई थी। यहाँ तक के प्रोड्यूसर डीसीपी चित्रोले को भी नहीं पता था कि ये लास्ट एपिसोड है। फिर ये 2018 में लास्ट एपिसोड बना। दोस्तों, आजकल के बच्चे हमसे पूछते हैं कि आपके दौर में मोबाइल नहीं था तो आप क्या करते थे। फिर हम उनको बताते हैं शाकला का बूम बूम और सोन परी और सीआईडी ड्रामा सीरियल देख के हम अपना टाइम सस्पेंड करते थे। लेकिन दोस्तों, सीआईडी बंद होने की आज तक कोई वजह पता नहीं लगी। फिर कुछ चैनलों की वजह से पता लगा था। सीआईडी टीम एक टूर पर जा रही है, वापिस आके एक नए अंदाज से सीआईडी टीम अपना काम जारी रखेगी। लेकिन इस बात को 5 साल हो गए हैं, लोग अभी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं अब सीआईडी टीम के रियल नाम। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट हम आपके साथ शेयर कर सकें। नंबर 1 दोस्तों, पहले नंबर पे आते हैं एसीपी प्रद्युमन, जिनका रियल नाम शिवाजी शास्त्रीम है। दोस्तों, इनकी उम्र 2024 के हिसाब से 73 साल है। ये 20 अप्रैल 1950 में पैदा हुए थे और इनका आपने सीआईडी एपिसोड में डायलॉग सुना होगा, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, एसीपी प्रद्युमन ने बहुत सारी मूवीज और इंडियन ड्रामे में काम किया है और इसके साथ साथ सीआईडी टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। दोस्तों, एसीपी प्रद्युमन की जानकारी पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 2 दोस्तों, दूसरे नंबर पे आते हैं अभिजीत, जिनका रियल नाम अदित्य शहरी वास्तव है। इनकी पैदाइश 21 जुलाई 1968 में हुई। दोस्तों, 2024 के हिसाब से इनकी उम्र 55 साल है। दोस्तों, इन्होंने भी अपना पूरा जोशो खरोश से करदार निभाया है। वैसे तो बहुत सारे एपिसोड में इनको बोलने की बीमारी दिखाई गई थी, लेकिन वैसे ये बहुत शातिर है। दोस्तों, इन्होंने भी बहुत सारे मूवीज और ड्रामा सीरियल में काम किया है। दोस्तों, अभिजीत सर के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। नंबर 3 नंबर 3 पर आते हैं इंस्पेक्टर दया, जिनका रियल नाम दयानंद सेठी है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1959 पे हुआ। 2024 के हिसाब से इनकी उम्र 54 साल है। दोस्तों, इन्होंने भी सीआईडी टीम में बहुत ज्यादा किरदार निभाया है। बहुत सारे एपिसोड में इन्हों को दरवाजा तोड़ने का किरदार दिया जाता था, जो ये बहुत अच्छे तरीके से निभाते थे। नंबर 4 नंबर 4 पर आते हैं फ्रेडरिक सर, इनका रियल नाम दानिश पादनिश है। इनका जन्म 21 नवंबर 1966 को हुआ। दोस्तों, इनको बहुत अच्छा रोल दिया जाता था, जो कि हर वीडियो में होना चाहिए, वो तो आप जानते होंगे। ये सब एपिसोड में लोगों को हंसाते थे और इनकी फेमस एक्टिंग ये थी कि ये आत्मा के नाम से बहुत डरते थे। और इसके अलावा इन्होंने भी बहुत सारी मूवीज, टीवी शो और ड्रामा सीरियल पर काम किया और इसके साथ साथ ये बहुत बड़े राइटर थे, पर अफसोस ये अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, आप कौन कौन फ्रेडरिक सर को मिस करता है, कमेंट करें और आई मिस यू लिखें। नंबर 5 पांचवें नंबर पे आती है डॉक्टर तारिका, इनका रियल नाम श्रद्धा मसली है। इनका जन्म 7 जनवरी 1984 को हुआ।
2024 के हिसाब से इनकी उम्र 40 साल है। दोस्तों, डॉक्टर तारिका ने भी बहुत ज्यादा मूवी और टीवी शो और स्टेज शो पर काम किया। नंबर छह पर आते हैं डॉक्टर सलोंकी। इनका रियल नाम नयानंद गुप्ता है। इनका जन्म 21 जुलाई 1962 को हुआ। 2024 के हिसाब से इनकी उम्र 61 साल है। दोस्तों, सलोंकी सर ने सीआईडी टीम के साथ बहुत अच्छा किरदार निभाया है। लास्ट का पोस्ट मार्टम से लेकर लाश की हर मालूमात सलूकी सर देते थे। खून कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, सब रिपोर्ट इन्हों के हाथों से आगे जाती थी। बहुत अच्छा किरदार निभाने वाले सलूकी सर को मेरा सलूट है। वैसे तो सीआईडी टीम ने जितने भी एपिसोड बनाए हैं सब फेक हैं, मगर देखने में ये रियल लगता था। चलते हैं सातवें नंबर की जाने। दोस्तों, सातवें नंबर पे आती है पूर्वी, जिनका रियल नाम इनाशा सईद है। इनका जन्म 16 जुलाई 1988 को हुआ। आज 2024 के हिसाब से इनकी उम्र 35 साल है। दोस्तों, पूर्वी ने भी बहुत सारे इंडियन ड्रामों में काम किया है। दोस्तों, पूर्वी को थप्पड़ मारने का रोल दिया जाता था, वो बिल्कुल रियल होता था। नंबर 8। दोस्तों, नंबर 8 पर आती हैं इंस्पेक्टर श्रिया। इनका रियल नाम जारवी छटा है। इनका जन्म 29 फरवरी 1984 को हुआ। 2024 के हिसाब से इनकी उम्र 39 साल है। दोस्तों, इन्होंने भी सीआईडी टीम के अलावा बहुत सारी मूवीज और ड्रामा सीरियल में काम किया है। नंबर 9। दोस्तों, नंबर 9 पर आते हैं इंस्पेक्टर सज्जन। इनका रियल नाम हृषेक पांडे है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1974 को हुआ। 2024 के हिसाब से इनकी उम्र 49 साल है। दोस्तों, इन्होंने भी बहुत सारी फिल्मों और ड्रामों में काम किया। दोस्तों, ये मुजरिम के पीछे स्पीड से भागते थे। इन्होंने भी बहुत अच्छा किरदार निभाया। वैसे तो आर टीम ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। नंबर 10। दोस्तों, नंबर 10 पे आते हैं डीसीपी चतरोले। दोस्तों, नंबर 10 पे इसलिए है ताकि ये वीडियो के प्रोड्यूसर भी थे और सीआईडी टीम में काम भी करते थे। और जैसा कि आप जानते हैं, एसीपी प्रद्युमन और डीसीपी चतरोले की बहुत ज्यादा लगती थी। वैसे तो ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू अपडेट के लिए हम आपकी खिदमत में पेश होते रहें। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ।